हेलो दोस्तों, मैं हुजैफा। आप देख रहे हैं एचआर के स्टडी। इस डिस्क्रिप्शन में जाकर वहाँ पे डिस्क्रिप्शन जो वीडियो के नीचे होता है, वीडियो के नीचे आप जाएंगे तो वहाँ पे आपको लिंक मिलेगा। उसमें आप 2019 का क्वेश्चन पेपर, वहाँ से आप पीडीएफ क्वेश्चन पेपर डाउनलोड कर सकते हैं। इसके अलावा आप बता दूं कि आपको आंसर की के साथ वहाँ पे क्वेश्चन पेपर मिल जाएगा, आप आंसर की भी डाउनलोड कर लीजिएगा। लेकिन आंसर की जो है वो पूरे सब्जेक्ट की है, इस वजह से आपको तलाश करने में थोड़ी सी दिक्कत हो सकती है। इस वजह से आपको मैं ये बता दूँ कि आपको आंसर की कैसे चेक करनी है। आंसर की चेक करने के लिए आपको सिर्फ इस पे क्वेश्चन के जो नंबर, इस पर ध्यान नहीं देना। आपको देना है क्वेश्चन आईडी का जो ये नंबर है, 10 डिजिट नंबर, इस पर ध्यान देना है, क्योंकि यही आपको आंसर की में मिलेगा। और ये देखिए, ये जो आपके ऑप्शन है कि इनमें से कौन सा सही होगा, तो ये भी आपके काम नहीं आने वाला है, आपके काम आने वाला है कि आपको इन नंबर पर ध्यान देना है, क्योंकि सबको एक नंबर दे दिया गया है, एक 10 डिजिट का नंबर सबको, ताकि आप रिकॉग्नाइज कर सकें, क्योंकि थोड़ा सा टिपिकल है। आप इसको समझना, आपके लिए ये बहुत ज़रूरी है। तो ये ध्यान दीजिएगा, आपके जो आंसर की है उसमें एक साइड में ये वाला नंबर होगा, जो कि आपको एक साइड में नंबर होगा हर क्वेश्चन का, आईडी नंबर होगा एक साइड में, और दूसरे साइड में ये करेक्ट जो आंसर होंगे इन चारों में से कोई एक होगा। तो इस तरह से आप अंदाजा समझ पाएंगे कि इसका राइट आंसर कौन है। को ये 10 डिजिट यहाँ पे होगा, और उसके बाद इन चारों में से कोई एक राइट आंसर होगा। तो ये क्लियरली एक चीज़ आपको जो ध्यान देना है वो बिल्कुल ध्यान देना है। अब आइए, आपको थोड़ा सा ये बता दें कि आंसर के मिले चलते हैं, वहाँ पे देखते हैं कि किस तरह से आप इसको ढूंढ पाएंगे। एक चीज़ मैं ये बता दूँ कि ये जो जैसे जिस भी सब्जेक्ट का होता है, तो ये सारा लगभग कुछ जो डिजिट होंगे ना, वो आपको 128206 यहाँ पे तो क्लियर होंगे, लेकिन ये जो चार हैं ये चेंज होते हैं। आपको इसे ही ध्यान देना है, क्योंकि ये जो 6 होते हैं ये सब में कॉमन होते हैं। तो आइए अब आंसर के में चलते हैं, वहाँ पे देखते हैं कि किस तरह से आप इनको ध्यान दें। तो यहाँ पे देखिए 1282। अब मैं यहाँ पे दिखाऊं कि वो जो क्वेश्चन नंबर था वो कहाँ पे मिलेगा, इससे आप अंदाज़ा नहीं लगा सकते कि आपका ये क्वेश्चन 1 है, क्वेश्चन 2 है, क्वेश्चन 3 है, तो आपको नंबर पे ध्यान देना है। तो यहाँ पे जैसे कि मैंने आपको बताया था, यहाँ पे देखिए 1 2 1 2 8 2 0 6 1 2 6 0, ये आपको सर्च करना है कि कहाँ पे है। तो ये आपको देखिए 1 2 2 1 2 8 2 0 6 1 2 6 1 2 6 1 1 2 6 0 1 2 5, ये फर्स्ट का जो है ये आपका हर क्वेश्चन में सेम होगा, और ये चारों चेंज होगा, क्योंकि इसी से आपके क्वेश्चन बनते हैं। तो इसका आंसर हम इस तरह से तलाश कर सकते हैं कि यहाँ पे देखिए 1 2 6 0। अब इनमें से देखेंगे 1 2 6 0 कौन है, तो 1 2 6 0 ये वाला है, मतलब कि आपका जो सेकंड नंबर है क्वेश्चन, वो सेकंड क्वेश्चन नंबर है वो आपका यही है जिसकी आपको तलाश है। अब ये देखना है कि उन चारों में से ये कौन सा है, ए है, बी है, सी है, डी है, तो वो उसके लिए फिर आपको आंसर के में जाना पड़े, क्वेश्चन में जाना पड़ेगा, और आप वहाँ से अंदाज़ा लगा पाएंगे कि कहाँ पे है। तो ये देखिए, अब इसके सामने जो लिखा है 1 2 8 2 0 6 5 00 7 00 7, आपको ध्यान देना। अब इनमें से आके आपको देखना है कि 007 किस में है, यहाँ पे 005 006 007, यानी कि इसका आंसर सही है। तो आप इस तरह से चेक कर सकते हैं, थोड़ा सा डिटेल हुआ, आप थोड़ा सा इसको देखिएगा, और इस तरह से आप इसके आंसर की